हेलो माय डियर टू फैमिली, हरण महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सानविका ब्लॉग्स में। गाइस, देख सकते हो आप, अभी हमारी एक्सरसाइज हो रही है और ये जो एक्सरसाइज की स्टेप है, ये हमारे जो शोल्डर्स होते हैं उनको, उनकी जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको रिड्यूस करने के काम आती है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये हमारी थाइज़ की जो फैट होती है उसको रिड्यूस करती है। हर एक स्टेप का अपना एक अलग मतलब होता है और इसको आपको बहुत ही आराम से करना है। अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके बच्चे हैं, आप घर संभालते हो, घर में ही रहकर अपने घर को संभालते हुए आप खुद का वेट लूज़ कर सकते हो। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप फिट रह सकते हो। और दोस्तों, ये चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो किस तरह से आपको मैनेज करना है कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो अपना टाइम टेबल बनाकर आप खुद को टाइम दे सकते हो। और एक गृहिणी को खुद को टाइम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम ही वो हैं जो आते हैं, पूरे घर की देखभाल करते हैं। और आपने ये चीज़ नोट करी होगी दोस्तों कि अगर हम एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाते हैं तो घर की क्या हालत हो जाती है, बच्चों की क्या हालत हो जाती है। अगर दो दिन भी हम घर पर ध्यान ना दें, अपने बच्चों पर ध्यान ना दें, तो हमारा घर किस तरह से बिखरा बिखरा सा हो जाता है। तो उसके लिए हमें खुद पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए हमें फ़िट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, ये जो एक्सरसाइज है की स्टेप है, ये हमारे फुल ऑफ बॉडी की जो फैट है उसको रिड्यूस करती है। और हम जो गिनी चुनी एक्सरसाइज की स्टेप्स करते हैं, वो सारी की सारी ऐसी ही हैं जो हमारी फुल ऑफ बॉडी की जो एक्स्ट्रा फैट है, जो चर्बी है, उसको कम करती है। हालाँकि मेरी बॉडी देख के आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मेरे ऊपर चर्बी है, लेकिन फिर भी अगर हम बैठ जाएंगे, वेट करेंगे चर्बी चढ़ने का, तो गाइस चर्बी चढ़ जाएगी और जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी हमारे लिए। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये हो जाता है गाइस कि हमारे जो मनपसंद कपड़े होते हैं वो हमें नहीं आते हैं। वो मनपसंद इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम जब पतले दुबले होते हैं, अच्छा फिगर होता है हमारा, तब वो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। और जब भी हम मोटे हो जाते हैं तो कपड़े कोई भी आप पहन लो, आपके ऊपर नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वेट को कम करना या अपनी बॉडी को फिट रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बस आपको अपनी एक दिनचर्या बना लेनी है कि आपको किस टाइम क्या करना है। और ये भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा सोच समझ के और आराम से आपको अपनी दिनचर्या बनानी होगी कि आपको किस टाइम क्या करना होगा और अपने आप को आपको किस टाइम समय देना होगा। जैसे कि हमारा क्या रहता है गाइस कि सबसे पहले तो उठकर हम योगा करते हैं, क्योंकि अगर हमें योगा करना ही है तो हम घर के कामों से आधा पौन घंटा पहले उठ जाते हैं, जो कि समय हम अपने योगा को देते हैं। और उसके बाद में हम घर के कामों में लग जाते हैं। और ये जो एक्सरसाइज अभी हमारी चल रही थी, ये करते हैं हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि गाइस इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ना ही तो हम इतने जल्दी ही उठ पाते हैं कि हम 4 बजे उठ जाएं। अगर हम 4 बजे उठें तो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम उठते हैं 6:45 के अराउंड और हम 1 घंटा योगा की, इतनी सारी स्टेप्स होती हैं कि कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हो गाइस, अभी नाश्ता वगैरह हमारा जो है वो बन चुका है और किचन जो है काफ़ी मैसी है, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। वो रियल ब्लॉग है तो रियल चीज़ें ही दिखेंगी। और इस समय में हम सभी महिलाओं की किचन जो है वो मैसी ही होती है। सुबह सुबह का टाइम इतनी भाग दौड़ से भरा हुआ हो जाता है कि सारा कुछ स्लैब, किचन की जो स्लैब होती है उस पर ही आकर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी क्लीनिंग तो स्टार्ट नहीं करी है। सबसे पहले एक्सरसाइज के बाद हम अपना लेमन और हनी वाटर बना लेते हैं, एक्सरसाइज के बाद ही पीते हैं गाइस। आप चाहो तो योगा के बाद एक्सरसाइज से 5-10 मिनट पहले भी पी सकते हो, बट हम नहीं पी पाते क्योंकि हमें पेट में दर्द होने लगता है। अगर हम कुछ इस तरह का पानी या लेमन वाटर पी के एक्सरसाइज करते हो तो पेट दर्द हो जाता है, इसलिए हम एक्सरसाइज के बाद ही पीते हैं। और बस इसको पीने के बाद हम गर्म पानी पियेंगे, लगभग 10-15 मिनट के बाद हम गर्म पानी पियेंगे। उसके बाद बस अपना जो डेली बेसिस पे पानी पीने पर हम ध्यान रखते हैं जिस तरह से, वैसे ही चलेगा। तो हमारा जो हनी लेमन वाटर है वो बन के हो चुका है तैयार। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, घर से आने के बाद, मम्मी के घर के घर से आने के बाद काउंट जो है ना, इनकी खूब मस्ती चली थी वहाँ पर, धूल मिट्टी में खूब लोटे थे ये, तो इनको भी नहलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और गंदे हो गए थे ये ज़्यादा ही कुछ, तो इनको भी हम नहला देते हैं। ये इनके ऊपर जब पानी डालो तो ये बहुत डरते हैं,
हालांकि हल्का सा गुनगुना पानी है जिससे हम नहला रहे हैं, ठंडे पानी से नहीं नहलाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। वैसे इन्हें पति जी ही नहलाते हैं क्योंकि इन्हें नहलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये डरते हैं पानी से। तो फिर भी आज वो बहुत कुछ बिजी थे, पति जी बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हमने सोचा चलिए हम ही नहला देते हैं इनको। तो चलिए अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं, अभी तो टाइम हो रहा है 5 बज रहा है और पति जी नहा रहे हैं गाइस, तो हम बनाएंगे अपने डिनर की भी तैयारी करेंगे और साथ ही साथ चाय भी बना देते हैं उनके लिए क्योंकि वो भी नहा के निकलेंगे तो उन्हें चाय चाहिए होगी, चाय का टाइम भी हो गया है गाइस। तो चलिए फटाफट से करते हैं तैयारी। तो दोस्तों आज हम डिनर में बनाने वाले हैं भिंडी और दही के आलू। तो वेट लूज के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, जो हम डेली बेसिस पे हम जो खाते हैं डिनर में, लंच में या ब्रेकफास्ट में, आप वो खा के भी अपना वेट लूज़ कर सकते हो। बस 32 बार फॉर्मूले को याद रखिए और जो भी आप खाइए तो उसको 32 बार ज़रूर अचीव करते जाइएगा और इसी के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे जब आपको लगेगा कि हाँ रियली आपका वेट लूज़ हो गया है। भिंडी कट करने के साथ साथ हमने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे ओवन में और आलू हो चुके हैं बॉयल, जिनके हम दही के आलू बनाएंगे और हमें और सौम्या को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो पता नहीं शायद पति जी खाएँ या ना खाएँ, तो हम दो सब्जियाँ ही बनाते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेते, पता नहीं बाद में उन्हें नहीं अच्छी लगी फिर मन ख़राब हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खा पाया। हालांकि सौम्या हमारी तरह हैं खाने पीने को लेके, वो किसी चीज़ से परहेज नहीं करती हैं, जो भी बन जाए वो सब कुछ खा लेती हैं। पति जी की आदत है बस घर में ऐसे कि उन्हें हर चीज़ पसंद नहीं आती है, बहुत ही डर डर के बनाते हैं और सोच समझ के बनाते हैं कि उन्हें अच्छी लगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो भिंडी बना लेते हैं और उसके बाद में हम बनाएंगे दही के आलू और साथ ही साथ पराठे भी बनाते जाएंगे गाइस। तो बस इसके लिए हमें वेट लूज़ के लिए यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं ये सब हम खाएंगे, बट एक बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें 32 बार च्यू करना है। और दोस्तों जब ये 32 बार च्यू करेंगे ना तो एक रोटी से ज़्यादा हमारी डाइट नहीं हो पाती है, 1 से 1.5 तक ही पहुँच पाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे और आपका टमी भी फिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपको भूख लग रही है या आपका पेट खाली है, ये चीज़ आप करके ज़रूर देखिए। आप ओवर डाइट नहीं करोगे, 32 बार फॉर्मूले का एक यही फ़ायदा है कि आप ओवर डाइट से बच जाओगे। तो बस हमने जब से 32 बार फॉर्मूले की आदत डाली है हमें कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ हमारा पेट नहीं भरा है, इनफैक्ट हम थक जरूर जाते हैं 32 बार फॉर्मूले के साथ खाते खाते, लगता है काफ़ी समय हो गया है और बस अब इतना काफ़ी है। और ये बात हकीकत है गाइस कि पेट भी भरा भरा लगने लगता है, ये कैसे होता है आई डोंट नो बट होता है, ये बात सच है। तो यहाँ पे भिंडी जो है छोक दी है हमने और नमक तो भिंडी में लास्ट में ही डाला जाता है गाइस, जैसे कि आपने देखा हमने हल्दी ऐड कर दी बट अभी नमक नहीं डालना है, लास्ट में ही डालेंगे। और बस इसके साथ अब फटाफट से बना लेते हैं यहाँ पे हम चाय पति जी के लिए, क्योंकि वो नहा के निकल आए थे, पूजा कर रहे थे और नहा के आने के बाद 5:30 पर ही चाय पीते हैं हम लोग, तो पति जी के लिए भी चाय यहाँ पे हो जाएगी और हमारी ग्रीन टी भी हो जाएगी और उसके बाद खाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इस खाने के साथ अगर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ 32 बार फॉर्मूले को याद रखते हुए ही खाना खाना है, अदरवाइज़ अगर हम और जल्दी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो हमें सॉल्ट फ्री डे भी करना चाहिए, वीक में 2 टाइम्स हमें सॉल्ट फ्री डे करना चाहिए। सॉल्ट फ्री डे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, एक दिन में आपका 2 किलो तक वज़न कम हो सकता है, ये चीज़ रियल है, हमने आजमा कर देखी है। हाँ उसके एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, हमने एक चीज़ नोट करी है कि आपने सॉल्ट फ्री डे किया आपका 2 किलो वेट लूज़ हो गया और अगले दूसरे तीसरे दिन आपका वेट वहीं पे जाके फिर स्टक हो जाता है, ये समझ नहीं आया हमें। तो इस चीज़ पर भी अभी हमारी रिसर्च चल रही है, जब भी हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी तो हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे दोस्तों। और अभी आप देख सकते हो दही के आलू बन रहे हैं एक साथ एक साइड और एक साइड बन रहा है हमारा पराठा। दही के आलू जो होते हैं ना इनको कंटिन्यू स्टर करना होता है, अदरवाइज़ ये फट जाता है, ये चीज़ रियल है, कंटिन्यू स्टर करना होता है जब भी हम दही डालते हैं आलूओं में। अगर हम इसको 10 सेकंड के लिए भी इस तरह से लीव कर देंगे तो ये फट जाता है दही और फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है दिखने में और खाने की भी इच्छा नहीं होती है। तो बस अभी वही प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे गैस कर दी है हमने ऑफ और पराठा भी बन के हो चुके हैं रेडी, दही के आलू भी बन के रेडी हो चुके हैं और भिंडी भी बन के
हो चुकी है रेडी। तो दोस्तों यही खाना खाएंगे हम और इसके साथ ही अपना वेट लूज़ करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमने कितने जल्दी अपना वेट लूज़ किया है। आप भी चाहो तो बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ कर सकते हो बहुत ही इजी तरह से। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना लेमन वाटर है जो उसको मत भूलिए आप, और 32 बार फार्मूले को भी याद रखिएगा। इस तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।